नमस्कार, मैं पिंकी सहगल पैंकर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करेंगे पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के रिश्तों पर, साथ ही ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी क्यों देते हैं यूएई को इतनी तवज्जो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट की। पीएम मोदी अपने 8 सालों के कार्यकाल में 4 बार यूएई जा चुके हैं, जहाँ उनका जबरदस्त स्वागत किया जाता है। इस बार यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर खुद पीएम को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। ये दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय रिश्तों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बार 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए, तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रोटोकॉल तोड़ अबू धाबी एयरपोर्ट पर खुद उनके स्वागत में खड़े दिखे। भारतीय प्रधानमंत्री की ये साल 2015 से चौथी यूएई यात्रा थी। ये बात भी गौर करने लायक है कि नरेंद्र मोदी की साल 2015 की यूएई यात्रा से पहले के 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई की यात्रा नहीं की थी। साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूएई की यात्रा पर गई थी। उसके बाद अगस्त 2015 में मोदी यूएई की यात्रा पर गए और तब से अब तक वो खाड़ी मुस्लिम देश की यात्रा पर 4 बार जा चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि पीएम मोदी दूसरे प्रधानमंत्रियों की तुलना में यूएई को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाएंगे। हर क्षेत्र में मजबूत होते द्विपक्षीय संबंध। बता दें कि हाल ही के सालों में भारत यूएई के द्विपक्षीय संबंध लगभग हर क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से साल 2015, 2018, 2019 और अब 2022 में यूएई की 4 बार यात्रा कर चुके हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भी 2 बार 2016 और 2017 में भारत आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों का बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब साल 2019 में पीएम मोदी को यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। यूएई से तेल गैस का व्यापार। भारत तेल और गैस के लिए सऊदी, यूएई जैसे देशों पर निर्भर करता है। भविष्य में संभावना है कि भारत और ये देश मिलकर इस क्षेत्र में बड़े निवेश पार्टनर बन सकते हैं। पिछले 15 सालों में देखें तो भारत के कुल कच्चा तेल आयात में खाड़ी देशों का 60% योगदान है। यूएई ने पिछले कुछ सालों में भारत में अपना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ाया है। अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के दौरान यूएई ने भारत में $12.22 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। भारत और यूएई के बीच कच्चे तेल और गैस का बढ़ता व्यापार इस बात की तस्दीक करता है कि दोनों देशों के रिश्ते काफी बेहतर हैं। भारत यूएई के बीच बढ़ता व्यापार। पीएम मोदी यूं ही नहीं यूएई को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि भारत और यूएई के बीच गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं जो आए दिन मजबूत होते जा रहे हैं। यूएई भारत का 3रा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। अमेरिका के बाद यूएई भारत का 2रा सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। ये भारत के वाणिज्य और व्यापार के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, जो आए दिन मजबूत होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और यूएई के व्यापारिक संबंध उस दौर में है जहां दोनों ही देश एक दूसरे को लाभ पहुंचाते और बड़ा मुनाफा कमाते हैं।